मंत्री सत्यन जैन और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार के एक और नगीने भ्रष्टाचार के संगीन मामले में फंस चुके हैं। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान इस समय दिल्ली वक्फ बोर्ड में हुए भ्रष्टाचार मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB की हिरासत में है, लेकिन उसका एक और करीबी कौसर इमाम सिद्दीकी उर्फ लड्डन फरार हो गया है। दिल्ली पुलिस और ACB की टीम उसकी तलाश कर रही है, पर कौसर सिद्दीकी के यहाँ से रेड के दौरान ACB ने दो डायरियां बरामद की थी। इसमें एक लाल और दूसरी सफेद डायरी थी। बताया जा रहा है कि डायरियों से कई बड़े राज खुल सकते हैं, जिसके बाद अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल ACB को रेड के दौरान कौसर के घर से 12 लाख कैश और अवैध हथियार मिले थे। पुलिस ने उसके खिलाफ दिल्ली के जामिया नगर पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कराया था। इस दौरान कौसर के घर से दो डायरी भी जब्त की गई थी, जिनमें पैसों के लेन देन का जिक्र है। बताया जा रहा है कि इनमें एक लाल डायरी भी है, जिसमें हवाले के पैसे का लेन देन का जिक्र था। दरअसल कौसर इमाम सिद्दीकी आम आदमी पार्टी का वार्ड नंबर 100S का अध्यक्ष है। वहीं ACB ने अपनी जाँच में कौसर उर्फ लड्डन को बैकमैन का नाम दिया है। ACB ने इन दोनों डायरियों में अमानतुल्लाह खान को करोड़ों रुपए देने की बात लिखी हुई है। इतना ही नहीं, इन डायरियों में अमानतुल्लाह खान को पैसा कैश दिया गया या चेक, ये भी पूरी डिटेल में तारीख के साथ लिखा हुआ है। ACB ने कोर्ट को बताया था कि अमानतुल्लाह खान के घर और 4 ठिकानों पर छापेमारी की थी। रेड में 34 रजिस्टर, 6 चेकबुक, 1 डायरी और 2 जगहों की रेड में 24 लाख रुपए बरामद हुए थे। ACB ने बताया कि डायरी में 4 करोड़ कैश बाई हैंड की एंट्री मिली है, जो अमानतुल्लाह खान के नाम पर है। बिहार के नाम पर भी अलग अलग एंट्री मिली है, जिसमें लाखों रुपए बिहार में भेजे गए हैं। इसके अलावा गुज 5,60,00,000 कैश की एंट्री मिली। हम गुज को गुजरात मान रहे हैं। इसके अलावा 2 ठिकानों से अवैध पिस्टल बरामद हुई है। इनमें एक पिस्टल विदेशी है, जिसका लाइसेंस नहीं है। गौरतलब है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने विधायक अमानतुल्लाह खान और उसके करीबियों के 5 ठिकानों पर रेड मारी थी। इस दौरान विधायक के 2 करीबियों कौसर और हामिद के ठिकानों से हथियार व भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने अमानतुल्लाह खान और हामिद को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि कौसर टीम से बचकर फरार हो गया। उसकी तलाश की जा रही है। वहीं रेड के दौरान ACB के अधिकारी पर हमला और धक्का मुक्की व बदसलूकी करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के 4 करीबियों को हिरासत में लिया है। इस मामले में जामिया पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ था। हिरासत में लिए गए व्यक्तियों ने अधिकारियों को रेड के दौरान गाली गलौज करते हुए मौके से जाने को कहा था। इस दौरान उन्होंने धक्का मुक्की भी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके नाम शकील अहमद, अफसर, अनवर और सिकंदर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।